नमस्कार। तिनका जेल समाचार में आज जिला कारागार मेरठ। भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 163 साल पहले आज ही के दिन यानी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जिसके कारण 10 मई को हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे जिला कारागार मेरठ की, जो कि वर्ष 1857 से ही अस्तित्व में है। 134 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस कारागार की वर्तमान निर्धारित क्षमता 1707 बंदियों की है, लेकिन इस समय यहाँ कुल 2355 बंदी हैं। इनमें 125 महिलाएं और 92 अल्पवयस्क बंदी भी शामिल हैं। कोरोना के दौर में जिला कारागार मेरठ में अब तक 1,51,460 मास्क तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मास्क बनाने वाले कारागारों में आदर्श कारागार लखनऊ के बाद जिला कारागार मेरठ दूसरे स्थान पर है। जिला जेल मेरठ में जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन 5,000 तक मास्क तैयार किए जा सकते हैं। विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस विभाग, होमगार्ड्स और बिजली विभाग को ये मास्क दिए गए हैं। कारागार के निरीक्षण के समय DIG जेल, जिला मजिस्ट्रेट मेरठ अनिल ढींगरा, SSP मेरठ अजय साहनी और CGO ईशा दोहन ने जेल में निर्मित मास्क की गुणवत्ता को परखा और प्रशंसा की। जिला कारागार मेरठ ने जरूरत के मुताबिक 100 PPE किट भी तैयार कर लिए हैं। यहां बंदियों के हुनर से सैनिटाइजेशन गैलरी का निर्माण भी किया गया है, जिसका शुभारंभ जिला मजिस्ट्रेट मेरठ ने किया था। यह जेल अपनी आवश्यकता के मुताबिक सैनिटाइजर भी तैयार कर रही है। एक खास बात ये भी है कि जेल में श्रम कार्य करने वाले करीब 300 बंदियों ने काम के बदले अर्जित किए गए पारिश्रमिक में से 81,250 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई है। लॉकडाउन में बंदियों को अवसाद से बचाने के लिए बंदियों की एक संगीत मंडली भी बनाई गई है। उनके गाने जेल रेडियो पर रोज सुनाए जाते हैं। जिला कारागार मेरठ में इस समय अधीक्षक हैं डॉक्टर BD पांडे और जेलर हैं श्री राजेंद्र सिंह। वर्तिका नंदा, तिनका के लिए।